वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नाउ टुडे इज़ आवर जीके क्लास. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 18 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज चार्मिंग चर्चेस. चार्मिंग चर्चेस मीन्स जो बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर जो चर्च होते हैं बेटे, ये उनको बोलते हैं चार्मिंग चर्चेस. सो यूरोप हैज़ सम ऑफ द ग्रैंडेस्ट चर्चेस ऑफ द वर्ल्ड. यूरोप में जो है वर्ल्ड के बहुत ही सुंदर चर्चेज हैं, ग्रैंड चर्चेज हैं, बड़े बड़े. सो डू यू नो दैट देयर आर मैनी चर्चेज इन गोवा. क्या आप लोगों को पता है कि गोवा में, जो इंडिया में हमारे जो गोवा है वहाँ पर भी बहुत सारे चर्चेज हैं. सो बेटा रीड, यस रीड द क्लूज एंड राइट द नेम्स ऑफ द फेमस चर्चेज. अब हमें इन क्लूज को रीड करना है और उन फेमस चर्चेज का नाम बताना है. सो फर्स्ट है बेटे डैश, पेरिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैथीड्रॉल इन यूरोप. पेरिस जो है वो सबसे पुराना गिरजाघर है. चर्च, कैथीड्रॉल मीन्स गिरजाघर. गिरजाघर किसको बोलते हैं? चर्च को. और जो बहुत पुराने चर्चेज होते हैं उनको कैथीड्रॉल भी कहते हैं. तो ये यूरोप का सबसे ओल्डेस्ट कैथीड्रॉल है एंड द चर्च हैज़ बीन अ विटनेस टू हिस्टोरिक इवेंट्स. और ये चर्च जो है एक हिस्टोरिक इवेंट्स का विटनेस भी है, सच एज नेपोलियंस कोरोनेशन. वो कौन सा, किस चीज़ का विटनेस है? सच एज नेपोलियंस कोरोनेशन एज एम्परर ऑफ फ्रांस. जब फ्रांस में नेपोलियन जो फ्रांस का जो एम्परर था उसका जब कोरोनेशन हुआ था, उसका राज्याभिषेक हुआ था, इसका भी बहुत बड़ा विटनेस है. एंड द बीटिफिकेशन ऑफ जोन ऑफ आर्क, और जोन ऑफ आर्क के परम सुख का भी ये बहुत ही बेटिफिकेशन का जो है वो एक विटनेस है. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चर्च? द नेम ऑफ दिस चर्च इज नोट्रे डेम. राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ नोट्री, NOTRE नोट्री, DAME डेम. नाउ सेकेंड इज बेटे डैश इज लोकेटेड इन वेटिकन सिटी. ये कहाँ पर लोकेटेड है? वेटिकन सिटी में है. द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है. इट हैज़ द टॉलेस्ट डोम इन द वर्ल्ड. यहाँ इसमें इस चर्च का जो है, जो डोम है, जो गुंबद होता है, वो सबसे टॉलेस्ट है वर्ल्ड में. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चर्च? पीटर्स बेसिलिका. राइट डाउन द नेम, सेंट पीटर्स बेसिलिका. सेंट फिर फुल स्टॉप लगाएंगे बेटे, देन पीटर्स बेसिलिका. नाउ थर्ड इज डैश इज लोकेटेड इन द रेड स्क्वायर. ये कहाँ पर लोकेटेड है? रेड स्क्वायर ऑफ द कैपिटल मॉस्को. ओके, ये कैपिटल रेड स्क्वायर ऑफ द कैपिटल मॉस्को एट द सेंटर ऑफ द सिटी इन रशिया. ये कहाँ पर है? रशिया जो है उसके सेंटर ऑफ द सिटी, सिटी के बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है. सो कैपिटल मॉस्को में. सो द नेम ऑफ दिस चर्च इज सेंट बेसिल कैथीड्रॉल. राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ सेंट, SAINT सेंट, BASIL बेसिल कैथीड्रॉल. बेटे दीज द स्पेलिंग ऑफ दीज चर्चेज आर इन द हेल्प बॉक्स. बेटे नीचे हेल्प बॉक्स में भी इनकी सबकी स्पेलिंग दे रखी है, लुक हेयर. सो यू विल राइट द स्पेलिंग्स फ्रॉम हेयर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम. नाउ फोर नंबर इज डैश कोलोन. डैश कोलोन, जर्मनी इज द लार्जेस्ट गैथिक चर्च इन यूरोप. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चर्च? नाउ जर्मनी इज द लार्जेस्ट गॉथिक चर्च इन यूरोप. ये कोलोन में है, जर्मनी में सबसे लार्जेस्ट गॉथिक चर्च है ये यूरोप का. सो द नेम ऑफ दिस चर्च इज कोलोन कैथीड्रॉल. राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ कोलोन कैथीड्रॉल, COLOGNE कोलोन कैथीड्रॉल, CATHEDRAL कैथीड्रॉल. नाउ लास्ट इज फिफ्थ डैश, लंदन UK हैज बीन द साइट फॉर कोरोनेशन ऑफ इंग्लिश मोनार्क्स. नाउ लंदन UK में हैज बीन द साइट फॉर कोरोनेशन ऑफ इंग्लिश मोनार्क्स. जो इंग्लिश मोनार्क्स होते थे, एम्परर्स होते थे, उनके यहाँ राज्याभिषेक जो है, कोरोनेशन जो है वो इसी चर्च में होता था. ये कहाँ पर है? लंदन UK में. सो द नेम ऑफ दिस चर्च इज वेस्ट मिनिस्टर एबे. WEST वेस्ट, MINISTER मिनिस्टर, ABBEY एबे. सो स्टूडेंट्स,
दीज आर द नेम ऑफ द चार्मिंग चर्चेस विच इज इन द यूरोप. सो नाउ चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट. नाउ स्टूडेंट्स ओपन रिव्यू शीट 2. ओपन रिव्यू शीट 2 ये आपका जो यूरोप वाला चैप्टर है यूनिट है उसी से रिगार्डेड जो है दिस इज द रिव्यू शीट रिगार्डेड द यूनिट 2. ओके बेटा सो फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. ये हमने जो पीछे चैप्टर्स जो है सारे वर्क करा है जिनमें उन्हीं से रिगार्डिंग उन्हीं के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें हैं. सो फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ इन 1923 डैश वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज इन लिटरेचर. 1923 में किसको नोबल प्राइज इन लिटरेचर में नोबल प्राइज से अवॉर्डेड किया गया था. विलियम बटलर ईस्ट. राइट डाउन द नेम विलियम बटलर ईस्ट. फर्स्ट में लिखिए बेटे विलियम बटलर ईस्ट. नाउ सेकंड इज डैश इन कोलोन जर्मनी इज द लॉन्गेस्ट गॉथिक चर्च इन यूरोप. ये भी हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है चैप्टर नंबर 18 में कोलोन है. विच चर्च इज इन जर्मनी. जर्मनी इज द लॉन्गेस्ट गॉथिक चर्च इन यूरोप. जर्मनी में ये सबसे लंबा गॉथिक चर्च है यूरोप का. द नेम ऑफ दिस चर्च इज कोलोन कैथीड्रल. राइट डाउन द नेम. नाउ थर्ड इज डैश इज कंसिडर्ड द हाइएस्ट पीक इन स्विट्जरलैंड. किसको स्विट्जरलैंड की हाइएस्ट पीक से कंसिडर किया जाता है. मोंटी रोसा. राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ मोंटी रोसा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2B. क्वेश्चन बी इज ट्रू और फॉल्स. सो बेटा फर्स्ट इज मैस्कट ऑफ द पायोंग चैंग 2018 ओलंपिक विंटर गेम्स वॉज विनिशियस. ये जो मैस्कट में जो पायोंग चैंग 2000 ओलंपिक विंटर गेम्स हुए थे वो विनिशियस में हुए थे. नो ये विनिशियस में नहीं हुए थे. सो राइट डाउन एफ. आप इसमें लिखेंगे फॉल्स. बेटे ये वाले जो ये गेम्स जो हुए थे 2018 में ये हमारे हुए थे सोहारैंग. सोहारैंग बट यहाँ पर लिखा हुआ है विनिशियस. सो विनिशियस इज रॉन्ग. सो फॉल्स राइट डाउन एफ. नाउ सेकेंड इज माउंट एल्ब्रस इन रशिया इज द शॉर्टेस्ट पीक इन यूरोप. जो माउंट एल्ब्रस जो पीक है रशिया में वो सबसे यूरोप की शॉर्टेस्ट पीक है. नो फॉल्स वो हाइएस्ट पीक है नॉट शॉर्टेस्ट पीक. राइट डाउन एफ हेयर. नाउ थर्ड इज कोसोवो इज अ फॉर्मरली वार टॉर्न कंट्री दैट हैज अ फेमस नेचुरल साइट कॉल्ड द रुगोवा जॉर्ज अ गॉर्जियस कैनन. सो दिस इज ट्रू. बेटे कोसोवो इज फॉर्मरली वॉर टॉर्न कंट्री. कोसोवो को क्या वॉर टॉर्न कंट्री से फॉर्मर किया गया है फॉर्मरली उसको बोला जाता है. एंड दैट हैज अ फेमस नेचुरल साइट. और वहाँ पर एक फेमस नेचुरल साइट है कॉल्ड द रुगोवा गॉर्ज. उसका नेम क्या है रुगोवा गॉर्ज. एक गॉर्जियस कैनन. वो एक बहुत ही खूबसूरत कैनियन है. कैनियन मीन्स घाटी. सो दिस इज ट्रू. राइट डाउन टी. नाउ आंसर इन वन वर्ड्स. क्वेश्चन नंबर सी आपको इसका आंसर देना है. यू विल गिव द आंसर इन वन वर्ड. सो फर्स्ट इज ही इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज में उनको सबसे ग्रेटेस्ट राइटर का रिगार्ड मिला है. किसको मिला है बेटे. सो हु वॉज रिगार्डेड द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज. विलियम शेक्सपियर. बेटा राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर WILLIAM विलियम शेक्सपियर SHAKESPEARE. साथ में बेटे ई भी लगेगा. नाउ सेकेंड इज दिस इज कॉल्ड द वाइट माउंटेन इन फ्रांस एंड इटली. ये इनको क्या बोलते हैं फ्रांस एंड इटली में वाइट माउंटेन. सो वॉट इज द नेम ऑफ दिस माउंटेन. मॉन्ट ब्लैंक. MONT मॉन्ट BLANC ब्लैंक. राइट डाउन बेटा. नाउ थर्ड इज दिस कंट्री इन नॉर्दर्न यूरोप हैज मोर देन 1500 आइलैंड्स. इस कंट्री में बेटे नॉर्दर्न यूरोप में ये कंट्री है और यहाँ पर मोर देन 1500 आइलैंड्स. यहाँ पर 1500 से भी ज़्यादा आइलैंड्स हैं. सो वॉट इज़ द नेम ऑफ दिस कंट्री. इस्टोनिया ESTONIA. राइट डाउन द नेम बेटा. नाउ
क्वेश्चन नंबर डी आइडेंटिफाई द पिक्चर्स. नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज पिक्चर्स. सो द फर्स्ट पिक्चर इज द टॉवर ब्रिज. द पिक्चर ऑफ दिस ब्रिज इज टॉवर ब्रिज. राइट डाउन द नेम द टॉवर ब्रिज. नाउ इन बी सेकेंड. नाउ विच चर्च इज दिस. ये कौन सा चर्च है बेटे? नोट्री डेम चर्च. नोट्री डेम चर्च ये अभी हमने ऊपर देखो ये वाला बेटे चैप्टर पढ़ा है ना. देखिए चैप्टर नंबर ये देखिए चैप्टर नंबर 18 में है. ये देखिए ये बना है नोट्री डेम चर्च नंबर 1 पे. सेम यही पिक्चर जो है वो आपकी इसमें नीचे दे रखी है रिव्यू शीट में. सो द नेम ऑफ दिस चर्च इज नोट्री डेम चर्च. सो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीट चैप्टर नंबर 18 एंड रिव्यू शीट 2 टुडे. सो स्टूडेंट्स यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर बुक एंड लर्न दैम. सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.